राम राम जी। राधे की रसोई में थारा स्वागत है। आज आपा इन्हें 1 किलो दूध को खीरानंद बनाऊंगा। एक बार मैं इन्हें सुबह उबाल दी ही, अब दोबारा से इन्हें गर्म करा। देखो मलाई आ रही है मोटी मोटी, अपन मलाई नहीं हटानी। दोबारा से उबाल आओगे तो आपा इन्हें बासमती राइस डाल के और आज को खीरानंद बनाओगे। वो मैं थाने बताऊँ क्या बने। जब तक दूध को उबाल आओ तब तक आप 1.5 मुट्ठी चावल डाल लगाएंगे। मुट्ठी कोई ना फंसी, अब 1.5 मुट्ठी इनमें जब तक दो के और पानी में भी ज्यादा तब तक दूध उबलेगा। दूध अपन उबाल लो 5 मिनट तक, बढ़िया उबाल लो। अभी नहीं उबड़वा लगे लेकिन फिर उबाल लो अपन दूध की बढ़िया से। जितना ज्यादा दूध गाड़ो ना उतना ही टेस्टी खीरानंद बनेगा। खीर से भी कई गुना स्वादिष्ट एकदम। जो भी एक व्यंजन है बहुत बढ़िया। ये देखो पोलिस है ना, इन पोलिस ने मैं निकाल दूंगी दो का और फिर साफ पानी में 2-4 मिनट के लिए इन्हें छोड़ दूंगी, बनने में सुविधा रहा। ये देखो दूध उबल रहा है ना, खूब बढ़िया से उबाल आ रहे हैं। तो 5 मिनट हो गए ही ना उबलता। अब आप भाई मैं चावल डालेंगे। जो 2-4 मिनट के लिए जो चावल भी जाए हुए बीज के तैयार हैं, जो पानी निकाल दे रहे हैं साफ पानी में भी जाए हुए। तो चाहो तो ही मैं घी मिला सकूँ थोड़ा सो। घी मिलाने से क्या होगा कि जो खीर है वह चिपेगी भी कोने खीरानंद वाली और स्वाद भी बनेगी। लेकिन मैंने घी कौन डालना थे डाल सकूँ। फिर इन्हें बढ़ने के बाद आप इनमें डालना केसर। देखो अब उबलने दो और आँच ठीक है नीचे एकदम मीडियम कर दियो या स्लो कर दियो, बहुत सुंदर बनोगे। आधा घंटा के अंदर यह रेसिपी तैयार हो जाएगी। तब तक आप एक कटोरी में थोड़ी सी केसर भी जाके छोड़ दो पानी में, वही में डालनी अपन। दस 15 पंखुड़ी आप डाल लें बस। तब तक ये केसर भी भीग जाऊंगी और ये भी तैयार हो जाए। ये भी बना के देखियो घर में, अभी रेसिपी तैयार होगी तो थाने बहुत पसंद आओगी। मिनट हो गए हैं अपन उबालता। ये देखो चावल फूलने लग गए हैं। ध्यान रहे थाने कि बासमती राइस से ही खीरानंद बनेगा और कोई चावल से खीरानंद बनेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो बढ़िया उबड़ के और मावा की जो टेस्ट आओगी। यही मैं आप डालेंगे किशमिश बादाम और ये इलायची और ये केसर में ढक के छोड़ दी हूँ। ये रेडी हो जाओगे और आप किशमिश भी थोड़ी देर के लिए पानी में डाल देगा। तब तक इलायची छील लेगा और बादाम का छोटा छोटा पीस कर लेगा। ये देखो दूध पूरा कलर चेंज होगा ना, मावा की तरह को कलर आ गया और चावल देखो एकदम फूल के रेडी। अब ये आप ही में डालेंगा, सबसे पहले डालेंगे केसर जो पानी में गोली केसर। उसके बाद जो आप 1.5 मुट्ठी चावल लिया है वो आधी कटोरी से ज्यादा 1.5 मुट्ठी चाहिए ठीक है। और अब चला तो रहना हो, आँच मीडियम करके चला तो रहना हो। और जो बादाम का टुकड़ा करे है वह बादाम का टुकड़ा भी अभी डालना है। इलायची सबसे लास्ट में डालना आपको। और ये किशमिश है जो मैं पानी में भी जाके छोटी है, ये भी अभी डालनी है। पानी निचोड़ के निकाल देना हो। अब चला तो रहना मध्य आँच पे एकदम, बार बार छोड़ लो नहीं। देखो एकदम तैयार हो गो जो खीरानंद आपनों बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही बढ़िया। ये रेसिपी ने थे एक बार बनायो और लाइक करियो, शेयर करियो और मैंने बतायो और सब्सक्राइब करना मत भूलियो। ये मेरा रिक्वेस्ट है। अब थे देखियो ये कहें की रेसिपी है, बहुत सुंदर रेसिपी बनी। एक बार जरूर ट्राई करके देखियो थे घर में, करोगा जन थन समझ में आओगी कि कैसी रेसिपी बने हैं। और थाना ध्यान रहे कि 1 किलो दूध में माप बताई हूँ थाना मैं कि 1 किलो दूध में 1.5 मुट्ठी चावल। यू खीरानंद तैयार है, कान्हा जी का भोग लगाना है। मैं चाहती अब कान्हा जी का भोग लगाना, थे भी एक बार ट्राई करियो। अगला वीडियो तक मिला हाँ, तब तक राम राम और सब्सक्राइब करियो।